कितनी सुंदर लग रही, कितनी सुंदर लग रही ना, बिल्कुल अंग्रेज। सारे भैंस ऐसी हैं। गोबर गैस है, इसमें गोबर तो आपने दिखा दिया, हमें गैस भी दिखाओ। और इसमें हम गोबर घोलते हैं, फिर इसकी गैस जाती है, हम इसमें रोटी बनाते हैं। तो हमें एक तो सिलेंडर लेके क्यों नहीं आया यार। और एनिवर्सरी की पार्टी है, 5-स्टार होटल में देने वाले हैं हल्द्वानी। आपकी है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है संडे और टाइम कुछ हो गया है 6:30 और मैंने नहाया नहीं है, पर मेरे दोनों बच्चों को मैंने नहला के रेडी कर दिया है। इनको आज मैंने जल्दी नहला दिया, रात भर कानित्या को कल खांसी थी, बट मैंने अभी सुबह सुबह इसलिए नहलाया क्योंकि फिर बाद में ठंडा लगता है। तो अभी दोनों को नहला के दोनों के हेयर्स मैंने ड्रायर से सुखा दिए। नित्या से हाय, से हाय। दोनों के हेयर्स मैंने ड्रायर से सुखा दिए हैं और अब मैं भी नहाती हूँ। मैंने भी कल ऑयलिंग कर रखी थी बालों में, रात भर नित्या सो नहीं रखी है इसको जुखाम की वजह से। तो अब मैं भी जाती हूँ नहाने के लिए और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। बाकी पवन भी गए हैं ऊपर छत में, पता नहीं क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह। और मम्मी बाहर पेड़ों में पानी डाल रही हैं और पापा तो पहाड़ी हैं। तो अभी मिलाती हूँ सबसे, पहले मैं नहा लेती हूँ, मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दूँ। आज संडे भी है तो आज आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे हम, संडे स्पेशल, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं कहीं, और कहाँ जा रहे हैं वो आपको ब्लॉग में आगे आगे पता चलेगा। आप देखिएगा, हमारे संग बने रहिएगा, आगे आगे आज आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अब तो नित्या को बुखार हो रखा है, काम मैं मेरे को पता है, ये इन्होंने अभी टेंजरी खोल रखा है ना, नित्या को यहाँ घुमा कर बेटा नहीं बेटा नहीं बेटा, तेरा मैथ का होमवर्क। तो नित्या नाराज हो गई है, उसको कोई मतलब नहीं है, फोन में है वो, बहुत सुन सब रही है। चल ठीक है ठीक है, पहले बाद में मुंह बंद कर। तो दोस्तों अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ शादी में जाने के लिए। नित्या लोग तो आ नहीं रहे, मम्मी भी नहीं आ रही है, मैं और पवन जा रहे हैं। और मैंने आज हेयर्स भी स्ट्रेट करे हैं, आप देख सकते हैं, ये बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप। देखो गाइस वीडियो में, यहाँ पे बाल देख सकते हैं, घने 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 बाल दिखा के हमको चढ़ाया जा रहा है, मतलब हमारे पे तो इतने भी नहीं है ना यार। और बेटा काशी क्या चल रहा है, हेलमेट में मत करना ना, हेलमेट में जूते की पॉलिश होता है। अपने हेयर्स की सेफ्टी के लिए डाल रही हूँ स्वेटर। चल छोड़ दे, कितना लगेगा, छोड़ दे ताकि मेरे हेयर्स खराब ना हो। ये देखिए हैं, केक केक लाऊंगा बाबू तिल्ले, केक लाऊंगा। गाइस हेयर्स की सेफ्टी के लिए मैंने स्वेटर डाल लिया है क्योंकि बाल उड़ जाएंगे, उस रोड में बहुत ज्यादा डस्ट वगैरह होती है। इन्होंने भी ट्रैक पहन रखा है अपना, तो वहां जाके उतार लेंगे। तो अभी हम निकलते हैं, बाय मम्मी। नित्या काशी का भी बहुत मन है आने का, बट वो रो भी रहे हैं, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए हम उन्हें नहीं ले जा सकते हैं। तो अभी निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं, तो हम जा रहे हैं, मैंने अभी तक आपको बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं बिंदु खत्ता, मतलब लाल कुआ बिंदु खत्ता। तो हम जा रहे हैं शादी में, जो आपने पुराने ब्लॉग में देखा होगा मामा जी को, उनकी बहू के भाई की शादी, मतलब मेरी जेठानी के भाई की शादी है। तो उससे पहले हम जाएंगे अपनी मौसी के यहाँ, मौसी से मिलने, उसके भी लीवर का एक्सीडेंट हुआ था तो उनसे मिलने भी जा रहे हैं और साथ में शादी में भी जा रहे हैं। पहले मौसी के घर जाते हैं उसके बाद शादी में। अभी हम लोग पहुंच गए सुशीला तिवाड़ी से आगे, अब हम जाएंगे तीन पानी वाली रोड पे, यहाँ से अंदर को कटेंगे हम। दूध वाले भैया टायर तो हिलेगा ही तभी तो चलेगा, तो यहाँ से हम कट गए इधर को। तो ये बजाज का शोरूम और ये है यहाँ का होटल, होटल राज पैलेस। ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, यहाँ से हम दोनों ने नहीं पढ़ा है। मैंने भी यहाँ से कुछ कर सकते हैं। तो हम यहाँ से टर्न ले लिया हमने आगे को, आगे से आ रही है कार, फिर एक कार स्कूटी स्पिन है। तो ये है हल्दू चौड़ का लक्ष्मी मंदिर, गौरा पड़ाव बोलते हैं, इसे तो कितना सुंदर है। यहाँ कभी मैं अंदर गई नहीं, बट जाऊंगी बहुत जल्द। अब आगे हम पहुँचने वाले हैं हल्दू चौड़ चौराहे, यहाँ कहीं से आ गए।
ये है ये उसके वहाँ भैया, ये कार रोड ये है। सही याद है मुझे, आज मैं आ रही हूँ कम से कम 8 या 9 साल के बाद घर, फिर भी याद है मुझे। मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी मौसी के घर, उनकी शॉप के आगे हमारे मौसा जी बैठे हैं अपनी शॉप पे, उनको नींद आ रखी है। लाला जी को नींद आ रखी है, ब्लॉग बन रहा है और लाला जी सोए हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। मैच सभी ध्यान मग्न हो रखे हैं। खतरनाक एरिया है, हर जगह चौराहा है और हर जगह शादी चल रही है, हर जगह शादी है, खतरनाक शादियां हैं। ये वाली शॉप क्यों वो कर रखी है फ्लो? अच्छा वहाँ से तभी आले आता हूँ। अरे उसमें पर्स में कुछ है ही नहीं, अपने आप रहता है पति का काम सर तक। हाँ अरे अच्छा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये मतलब हमारे आने की खुशी में ना रखा है। ये है मेरी मौसी, ये देखिए मौसी के पीछे का एरिया देखिए, कपड़े देखिए, ऐसे ऐसे भी है ये। लाला जी की लाली, लाला जी कते ही लाला हो रखे हैं। अरे मौसी का घर, नीचे इनकी शॉप्स हैं और आगे इनका घर है, मतलब यहाँ भी रहते हैं और एक घर पीछे भी है। दिखाती हूँ मैं आपको, वेट, इधर ये वाला घर भी मौसी लोग का ही है, इससे आगे को आगे तक इनके खेत हैं। फिर ये इनके शॉप के ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ मौसी लोग रहते हैं, नीचे मौसा जी की शॉप है। सर जी अपनी शॉप में बिजी हैं, इधर साग सब्जी, डेली नीड्स का सामान, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अरे वाह, दीक्षा की फोटो भी है इधर। मोबाइल हमारी लाडली मौसी, देखिए छोटी मौसी, इसके ससुराल में घूम रही हूँ मैं आज। चाय रात दिखाते हो, ये अपने खेत दिखाएगी मुझे, अब अपने गाय भैंस दिखाएगी। मोहम्मद ये 17 एकड़ महार, अरे इसमें फोटो खिंचा है मेरी, यहाँ के आम बहुत खाए यार एक टाइम। ये मौसी का हैंडपम्प, हैंडपम्प देखो पुराना। जब ज्योति की शादी नहीं हुई थी ना, तो आज मैं आपको शेयर करा रही हूँ अपने मौसी के ससुराल का। आओ इधर से आओ, ये ले जा रही हूं। मैं ले जा रही हूँ, ये पीछे रहेगी, मैं आगे। मौसी चल नहीं पा रही ना, मोटापा ज्यादा हो गया। हेलो, ये मेरी मौसी के बच्चे, ये साइकिल चला रहे हैं। हाँ देख यहाँ पे सब, ये मौसी लोग का ही है, ये मौसी लोग का घर एक भी है। देख शो क्या है, का है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये देखिए मौसी लोग की भूरी भैंस, भूरी है देखो, ये भूरी है यार, काली नहीं है। और ये देखो बिना क्रीम लगाए कितनी सुंदर लग रही, कितनी सुंदर लग रही ना, बिल्कुल अंग्रेज भैंस ऐसी है ना, ये भूरे भैंस। हाँ वही तो, ये काली क्यों नहीं है? फेरम लवली लगाते हैं इसलिए ये गोरे हो गए। फेरम लवली खाते हैं वो, कहाँ लगाते हो बोल रहे हैं। ये देखिए भैंस, दिस इज कॉल्ड भैंस, सबको पता है भैंस है बफलो। ये लेकिन अंग्रेज, ये अंग्रेज जो उधर वाला खेत दिख रहा है, ये वाला जो खेत है, यहाँ तक पूरी जमीन मौसी लोग की है। गोबर गैस आई है, ये गोबर गैस, इसमें ये गोबर बनाती है, गोबर गैस है, गोबर तो आपने दिखा दिया, गैस भी दिखाओ। और इसमें हम गोबर घोलते हैं, फिर इसकी गैस जाती है, हम इसमें रोटी बनाते हैं। अरे तो हमें एक तो सिलेंडर लेके क्यों नहीं आए यार खाली? ऐसे सिलेंडर से थोड़ी आती है उसकी गैस, अंदर आती है, सिलेंडर से आती है, वैसे पाइप से जाती है यहाँ से। तूने कितनी मॉडर्न साड़ी पहनी है, ये देखो, ये देखो मौसी का प्रताप, ये देखो मेरी चमकती हुई सूट, आज मैंने पहना है क्योंकि आज मेरे बेटी और दामाद आए हैं, इसलिए मैंने ये सूट। दामाद वाली हो गई है, सासू माँ नानी भी बन गई मेरे बच्चों की, वो देखो, ये देखो इसकी पीठ में भी बैठ जाता है तू हार्दिक। ये मेरा भाई, ये नित्या काशी का मामा, ये नित्या काशी की मौसी। और ये देखो यहाँ पे धान, गेहूं और क्या क्या लगाते हो, गन्ना, काफी चीजें लगाते हैं। ये पीछे आपको दिख रहा है दुकान से इधर तक का एरिया है मौसी लोगों का। तो अभी
मौसी की सास घर पे नहीं है, वो कहीं गई हुई है, तो मैं आपको उनसे भी मिलवाती, बट वो घर पे है नहीं। तो मौसा जी से आपने मिले शॉप पे, और ये मौसी के बच्चे हैं, ये अभी यहीं आ गए खेलने के लिए, और मौसी रहती है उधर शॉप के ऊपर, नीचे शॉप मौसा जी देखते हैं और ऊपर रहती है, और यहाँ पे ही मौसी, मतलब मौसी की सास लोग यहाँ पे रहते हैं। बाकी अभी हम भी निकलते हैं शादी में, क्योंकि हमें भी लेट हो जाएगा, टाइम कुछ हो गया है 2:00, तो हम भी निकलते हैं। आप देख लिया मौसी का घर, और आप लोग को भी दिखा दिया है, तो ये रहा मौसी की लोग की शॉप, ये रही, और ये दिख रहा है आपको ये, और ये रहा घर। तो अभी कोई है नहीं, इधर भी है, ये फार्म हाउस बनाया था इन्होंने, किस चीज़ का पता नहीं, मुर्गियाँ पाली थी क्या करा था आपको पता नहीं, किस लिए बनाया था, फार्म हाउस बनाया था इन्होंने, और पाला क्या था इसमें मुझे ये नहीं पता है। बाकी अब निकलते हैं हम भी, और ये मौसी लोग के आम के पेड़, खूब आम खाए हैं इधर के हमने, ये कितने 3 पेड़ एक साथ साथ में ही है, ये पराल छने मौसी क्या तुम धान लग रहा छी, सारा मेकअप में आ गया मेरे, सब हमारे सर में डाल दे तू, हाँ तो ऐसे पहले बताओ ना, फिर इतनी मेहनती है हमारी मौसी, देख सकते हैं आप बहुत है काम करी हूँ बुआरी, जहाँ तेरे जानवर बड़े पसंद है यार मुझे, भैंस सारी इसने हमारे मेकअप खराब कर दिया है क्या यार मौसी, तू भी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल है तेरी भैंस, मौसी और जो भी है तेरी भैंस बड़ी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल है, कैटरीना हो जाओ कैटरीना बल देख रही, और इसकी बच्ची भी कैटरीना कैफ से भी ज्यादा सुंदर लग रही है, नजर उतार देना। तो कुछ कहना चाहेंगे आपको, कैसा लगा आपके घर में ब्लॉगर्स आए हैं, आज हमारे घर में 2 ब्लॉगर्स आए हैं, मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि काश 17 एकड़ में ही रहते, इतनी जल्दीबाजी हो रही जाने की, अभी आए और 5 मिनट हुए इनको आए और जाने लग गए, हमें अब आएंगे फिर कभी रहने, कभी आएंगे बस, अब ये गेहूं काटने बुलाना हमें, ये एरिया के सारे गेहूं में काट जाऊंगी, 2 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ की सारा गेहूं ज्योति काटेगी, 2 एकड़ का पवन गेड़ा ज्योति गेड़ा दोनों काटेंगे, मैं चाय बांट दूंगा, चाय बांटोगे ठीक है दीक्षू। चलो हम आए थे मौसा जी से मिलने, जिनका एक्सीडेंट हुआ था मौसी के देवर का, बट वो यहाँ पे है नहीं आज, वो गए हैं ब्रिजलाल हॉस्पिटल हल्द्वानी अपने को दिखाने, तो अब उनसे मिलने बाद में फिर कभी आएंगे। तो अभी हम निकलते हैं शादी में, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ी देर रहना पड़ेगा, फिर जाएंगे घर की ओर, क्योंकि बच्चों को भी घर में, आज संडे है तो उनके साथ भी रहना जरूरी है, तो अभी निकलते हैं हम लोग, बाय बाय कर दो, ये देखिए गाइस इनके केले देखिए, ये कितने बढ़िया हो रखे हैं, हल्द्वानी में रहने का फायदा, केले पवन को ये पीछे पीछे हो रहे थे, वो पत्ता हटा के दिखाओ केले, हल्द्वानी कब लेके आए, तो अब निकलते हैं हम भी घर की ओर, मिलते हैं फिर कुछ टाइम के बाद, फिर मिलवाते हैं मौसी से, चलिए अब निकलते हैं हम लोग भी, देखिए ये बेशरम दवाई जवाई क्या पैक करा के ले जा रहे हैं, चलो छोटे लाला जी बैठे हुए हैं दुकान में, हेलो लाला जी कैसे हो आप, क्या कर रहे हो दुकान में बैठ के, दुकानदारी कर रहे हो, बैठे भी लाला जी की तरह ही है ये, है ना लाला जी हो आप, छोटे नाना लाला क्या देख रहे हो फोन में, चल फिर बाय बाय, हमारे आना, हाँ बाय बाय। तो ये है मौसम, तो दोस्तों यहाँ मैं पहुँच गई हूँ अपनी जेठानी के मायके, और ये देख सकते हैं आप शादी का डेकोरेशन, तो ये फ़ोन पवन के पास था, तो ये इन्होंने व्लॉगिंग नहीं करी वहाँ पे, मुझे लगा इन्होंने करी होगी, बट इन्होंने इतनी सी ही वीडियो बनाई, और यहाँ पे हमारी खुशी नाच रही है, मेरी जेठानी की बेटी यानी कि मामा जी की नातनी, बहुत ही सुंदर डांस किया हमारी खुशी ने, और बाकी कुछ मैं सूट नहीं कर पाई, सिर्फ इतना ही शादी का आपको दिखा रही हूँ, आप भी देखिए और इन्जॉय कीजिए हमारी खुशी का डांस, और खूब इन्जॉय किया हमने पार्टी में, और फिर हम आ गए थे घर को, और मैं इस भरोसे से रही कि पवन ने व्लॉगिंग करी होगी पीछे से, बट उन्होंने नहीं करी, मेरी डांस का वीडियो भी नहीं शूट किया था उन्होंने, तो इट्स ओके, बट तो आप मेरी वॉइस ओवर से काम चलाइए और इन्जॉय कीजिए हमारा व्लॉग, क्योंकि ये मैंने वॉइस ओवर बाद में डाल रखा है इसमें, वहाँ पे तो व्लॉगिंग नहीं करी मैंने, ऐसे परेशान करते हैं ये, बुआओं को ऐसे परेशान किया जाता है। देखिए फ्री की सेवा, कार में अपना सामान रखवाया हुआ है।
बहुत ही। तो अब हम चल रहे हैं घर को, अपना सामान निकलवाते हैं और चलते हैं, क्योंकि आज एनिवर्सरी है और एनिवर्सरी की पार्टी है। 5-स्टार होटल में देने वाले हैं हल्द्वानी आपकी है। कितने साल हो गए शादी को, याद है नी? चलो फिर बाय, कार लॉक कर लेना। चलो फिर बाय। ये तो है, तो ये हमारी जेठानी जी का मायका, एक ये उधर भी उन्हीं का ही घर है, ये पूरा उन्हीं का ही घर है यहाँ से वहाँ तक। तो अभी हम निकल गए हैं शादी से वापस घर की ओर, काशी के पास। टाइम कुछ करेक्ट हो रहा है 4:30, तो हम 5-10 तक तो एटलीस्ट पहुँच ही जाएंगे जहाँ तक है। मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा था, यहाँ तो गर्म हो रहा है बहुत ज्यादा, और हल्द्वानी से हल्द्वानी घूम रहे हैं, निकलते हैं तो अच्छा हो रहा है। अब निकलते हैं, बहुत बढ़िया रही पार्टी। और सॉरी मैं आपको घर नहीं दिखा पाई क्योंकि वो बीच में बैठी हुई थी और मैं ब्लॉग बना नहीं पाई बीच में, और फोन भी पवन के पास था और इन्होंने मेरे डांस का भी वीडियो नहीं शूट किया। मैंने डांस भी किया, इन्होंने मेरा वीडियो शूट नहीं किया। ऐसे है ये पतिदेव। हम पहुंच गए घर, मेला काची मेला वेट कर रहा था, वेट कर रहा था मेला, वेट कर रहा था। अभी तो जल्दी है तो आ गए, अभी अंधेरा कहाँ हुआ है। चलो ऊपर चलो। गाइस 1 घंटे में हम लोग पहुँच चुके, 1 घंटे से भी पहले हम लोग पहुँच चुके हैं वापस घर, और मेरे बच्चे बहुत बेसब्री से मेरा इंतजार कर ली थी, मम्मा कहाँ गए थे। तो अभी पवन इनके लिए पेस्ट्री वगैरह लेने गए हैं। तो दोस्तों शादी से आने के बाद बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग, आज का संडे भी बहुत बिजी रहा और शादी भी अच्छी रही, मौसी लोगों से भी मिलना हो गया। बट हम गए थे मौसा जी से मिलने पर उनसे मिल नहीं पाए क्योंकि वो थे हॉस्पिटल में। तो अभी खाना वगैरह खा लिया हम लोगों ने, तो अब मैं सोच रही हूँ ब्लॉग को कर देती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा भी हो गया है। तो मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक बने रहिए गेड़ा फैमिली ब्लॉग के संग। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो, टेक केयर ऑफ यू।